नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि तौजी नंबर और जमाबंदी नंबर ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो दोस्तों उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों तौजी नंबर जो है वो तौजी मौजा में, चाहे कोई भी मौजा हो, उस मौजा में एक दो या उससे अधिक भी हो सकते हैं। और तौजी नंबर जो होता था दोस्तों वो जमींदार के नाम से होता था, यानी कि किसी जमींदार को एक तौजी सौंप दिया जाता था और उसके अंतर्गत जो है खाता और खेसरा रहता था। उसकी जो है आगे की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि खाता जो होता था किसान के नाम से होता था, फिर उस खाता में कितना खेसरा है, उस खेसरा को कौन से किसान खेत जोत रहे हैं, तो वह सारी प्रक्रिया होती थी। उसका जो है खाता चलता था और उस खाता में उस खेसरा को शामिल किया जाता था। तो इस तरह से तौजी के अंतर्गत खाता और खेसरा आता था और अभी भी उसी तरह है कि तौजी के अंतर्गत खाता और खेसरा है। और दोस्तों अगर हम जमाबंदी की बात करें तो जमाबंदी जो है, जब आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद जब आपका दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन होता है, तो उस समय जो है दोस्तों आपका जमाबंदी कायम हो जाता है, तो आपका जमाबंदी नंबर भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये है तौजी नंबर और जमाबंदी नंबर में फ़र्क। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।